लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जिले में अब बढ़ने लगी है। क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। रविवार को कांग्रेस ने अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए सुबिशी हॉस्पिटल परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को पूर्व विधायक रवि जोशी और लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खड़ते ने जीत का मंत्र देते हुए अपने अपने बूथ को मजबूत करने का संकल्प दिलाया है। प्रत्याशी खड़ते ने कहा है कि भाजपा वर्तमान सांसद और प्रत्याशी गजेंद्र पटेल लोकसभा में कोई उपलब्धि नहीं दिला सके, जहां जनता, किसान, युवा, व्यापारी सब त्रस्त हैं। हम मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे और जीत निश्चित होगी। आप लोग मुझे 40 दिन दो, मैं आपको 5 साल दूंगा। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। देखिए, ये लोकसभा चुनाव है और बड़ा चुनाव होता है, उसकी बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो ये जो तैयारी, हम सिर्फ टिकट डिक्लेयर हो गया और हम तैयारी कर रहे, ऐसा नहीं है। इसकी तैयारी हमारी जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तभी से लोकसभा की तैयारी में हम लोग जुट गए थे। हमने ये तय कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, हाथ का पंजा चुनाव लड़ेगा। पार्टी किसी को भी उम्मीदवार डिक्लेयर करे, लेकिन ये जो खरगोन लोकसभा है, हमको जीतना है। तो हमारी तैयारी तब से है और अभी तो पूरी तैयारी धीरे धीरे उफान पे आ रही है और अंतिम समय तक, जब 13 तारीख को मतदान होगा, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता जो है बम्पर वोटिंग करेगी और हम चुनाव जीतेंगे। आपने अभी गजेंद्र पटेल को चैलेंज किया मंच से, ये कहीं भी डिबेट कर सकते हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे अगर डिबेट का मौका मिला? देखिए, यदि डिबेट का मौका मिला तो पलायन एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके बाद में सड़क है, पानी है, बिजली है, लोगों के रहन सहन का जो जीवन स्तर की बात है वो है। दूसरा जो विकास की बात है, सबसे बड़ी इलाके में आपने, आपके सांसद रहते हुए और देश में और प्रदेश में आपकी सरकार है, तो इस क्षेत्र को क्या क्या सौगातें दी आपने, आप जनता को बताइए, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। देखिये, शासकीय सेवा करना मेरा एक मजबूरी थी, क्योंकि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं स्वयं मजदूरी किया हूँ, लेकिन मेरे परिवार को या मेरे इलाके के लोगों को सक्षम करना मेरा परम कर्तव्य था। तो मैंने शासकीय सेवा की और ये तय किया था कि 20 साल की सेवा करूंगा, उसके बाद में समाज और देश की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित करूंगा। क्योंकि देश और समाज की सेवा करना, ये सदन के बाहर रहते तो कर सकते हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं कर सकते जिस स्तर तक जाकर करना है। तो मैंने और हमारे साथियों ने, पूरी टीम ने, ये सिर्फ मैं अकेला हूँ ऐसा नहीं है, हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि राजनीति एक सक्षम माध्यम है, उचित प्लेटफॉर्म में यहाँ पर समाज और देश की सेवा बड़े लेवल पे की जा सकती है, इसलिए मैंने राजनीति क्षेत्र में चला। पोरलाल खड़ते, खरगोन बड़वानी लोकसभा का कांग्रेस प्रत्याशी।